धर्म हर सभ्यता का मूल है। सदियों से ये हमारे संस्कार, संस्कृति और जीवन का अभिन्न अंग रहा है। ये हमारे समाज को और हमारे अस्तित्व को भी बांध कर रखता है। धर्म हमारे सिद्धांतों की कुंजी है और हमारे जीवन में उम्मीद का स्रोत प्रवाहित करता है। हमारा आचरण और हमारी आदतें धर्म से प्रेरित होती हैं। भारत की 99% आबादी धर्म में आस्था रखती है। यहां लोग धर्म के साथ साथ अपने धर्म गुरुओं में भी असीम आस्था रखते हैं। इस असीम आस्था के कारण लोग अपने दुख दर्द का समाधान अपने धर्मगुरु के पास ढूंढते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि कुछ हद तक वो खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। जैसे कि आदतन आज भी सैकड़ों लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। भारत के कई परिवारों के पास शौचालय बनाने के लिए ना सुविधा है ना साधन। बतन पर कपड़ा नहीं है, खाने का रोटी नहीं है, काक भाई हम लोग पैखाना कैसे बनाएंगे? लेकिन उसके लिए पहल करना पड़ेगा, हम लोगों को भी पहल करना पड़ेगा। हमारे जितने भी हम मानिंदे आदमी को जिनको हम मनोनीत किया है उनको भी इसमें सक्रिय हाथ बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट का सक्रिय है जो योगदान होना चाहिए। दुख की बात तो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधा और साधन दोनों हैं, पर फिर भी वो शौचालय बनाने को और प्रयोग करने को प्राथमिकता ही नहीं देते। खुले में शौच के पड़े रहने से पहले तो वातावरण प्रदूषित होता है, साथ ही ये अनेक बीमारियों को जन्म देता है और मृत्यु का कारण भी बनता है, अधिकतर छोटे बच्चों की मृत्यु का कारण। शौचालयों के अभाव से कई कठिनाइयां होती हैं, जैसे कि भारत में 55% औरतों के घरों में शौचालय नहीं है। नतीजा, शौचालय नहीं था तो बहुत परेशानियां होती थी। सुबह में उठना पड़ता था, अगर खेत में जाते थे तो कोई जेंट्स लोग आता था, उठना पड़ता था और डर भी लगता था। और किसी के खेत में जाते थे तो वो गाली भी देता था। हमारी बेटी बहू जो जाती है 20 बार उठता है, 20 बार बैठता है। शौच बढ़िया से नहीं होता है तो क्या वो मनुष्य स्वस्थ रहेगा? बीमार हो जाएगा। आए दिन रात में समाज के डर से, मर्द के डर से 7-8 बजे निकलती है कि हम फ्री जाएंगे, बैठेंगे, स्त्री से शौचालय हो जाएगा, लेकिन उसके साथ अप्रिय घटना हो जाता है। लफंगे लोग उठा लेते हैं, आए दिन बलात्कार होता है ये शौच की वजह से। अगर शौचालय उनके यहाँ रहता तो ये सब घटना नहीं घटती। शौचालय के अभाव से महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ी समस्या उस दिन से शुरू होती है जब से उनका मासिक धर्म शुरू होता है। आज भी भारत के कई विद्यालयों में बालिकाओं के शौचालय जैसी सुविधाएं ना होने से वह बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। खुले में शौच की प्रथा पर्यावरण के साथ साथ जल को भी प्रदूषित करती है और यही जल हमारे जीवन कार्य से जुड़ा है। 88% बीमारियां दूषित जल के प्रयोग और स्वच्छता के अभाव से होती हैं। ये कुछ बीमारियां ऐसी है जो बच्चों के मृत्यु का कारण बनती है। तो बाह्य सफाई के अभाव में उन पर बीमारियों का संक्रमण बड़ी तेजी से होता है। मनुष्य अपने रोग आदि व्याधि की जो मूल वजह है और जो जो वजह है उन पर गौर करें। जिस बालक के पैदा होने पर सभी कोई प्रसन्न होते हैं, गंगा जल से, जलादि से, धार्मिक संस्कार के द्वारा उसका शुद्धिकरण करते हैं, और यदि उन्हीं हाथों से और उसी जल से
और उसका अंतिम संस्कार करना पड़ जाए तो मुझे तो कहते हुए भी रोमांच हो आ रहा है, कितना दुख होता है। स्वच्छता की अहमियत को लोग आए दिन नजरअंदाज करते हैं। जिन परिस्थितियों को मामूली कोशिश से बदला जा सकता है उनसे वे आंखें मूंद लेते हैं। अपनी जिम्मेदारी ना समझकर उसके खुद ब खुद बदल जाने का इंतजार करते हैं या फिर उसे सरकार की जिम्मेदारी समझते हैं। जरूरत है सिर्फ उन्हें जागरूक कराने की, जिम्मेदारी से परिचित कराने की। धर्मगुरुओं का दायित्व केवल मन और आत्मा की शुद्धि ही नहीं, शरीर और वातावरण की शुद्धि से भी जुड़ा है। आपके द्वारा किया एक छोटा प्रयास स्वच्छता को भी संस्कार में बदल सकता है और हजारों जिंदगियों को बचा सकता है। आप उनकी आस्था को एक दिशा दे सकते हैं, एक ऐसी दिशा जो स्वच्छता की राह से गुजरती है और जिसकी मंजिल गौरव, आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और समृद्धि है। तो आइए आज सब मिलकर संपूर्ण भारत को सही मार्ग दिखाएं और देश को स्वच्छ बनाएं।